हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। मैं नेहा सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वीडियो सेकंड पेपर का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। इसमें मैंने जो यूनिट वन से लेकर यूनिट फोर तक आने वाले क्वेश्चन जो संभावित हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, वो क्वेश्चंस मैंने फाइंड करके आपके लिए बनाया है। 27 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता एवं शैक्षिक निहितार्थ को बताइए। काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला था इंग्लिश में भी आप क्वेश्चंस को डाल दीजिए। मैंने कोशिश करी है इंग्लिश में डालने की, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। जो बच्चे इंग्लिश में क्वेश्चंस चाह रहे थे, आप लोग देख लीजिएगा इंग्लिश वाले, मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकताएं एवं इसकी शैक्षिक निहितार्थ को बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, आपको इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, सृजनात्मकता से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान की साक्षर विधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, साक्षर नहीं होगा ये दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मैथड। शिक्षा मनोविज्ञान की साक्षात्कार विधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा में अनुशासन स्थापित करने में मनोविज्ञान किस प्रकार उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 7, विकास की अवधारणा को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8, बाल्यावस्था का अर्थ एवं अवधारणा को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं और इसे कैसे ज्ञात किया जाता है। वैसे क्वेश्चन बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन होगा, लेकिन इसे ज्ञात करने का जो मेथड है वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 11, बाल्यावस्था में बच्चों की शिक्षा में अभिभावक की क्या भूमिका होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, किशोरावस्था का जीवन काल संगीन काल क्यों कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, किशोरावस्था के लक्षणों का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, आप अच्छा होगा दोनों को तैयार कर लीजिए, दोनों को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मनोवैज्ञानिक किशोरावस्था में यौन शिक्षा को आवश्यक क्यों मानते हैं। ये अपडेटेड चीज़ चल रही है, तो आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा बताएं। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अभिप्रेरणा से क्या समझते हैं, यह किस प्रकार सीखने में सहायक है। 17 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 19, सृजनात्मकता एवं बुद्धि में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, मस्तिष्क उद्वलन से आप क्या समझते हैं। उद्वलन मीन्स मानसिक उथल पुथल, ठीक है, ये किशोरावस्था में संभावित होती है अधिकतर करके। उथल पुथल, उद्वलन, उथल पुथल यानी कि दिमाग नहीं समझ पाता कि उसे क्या करना है, ये भी करना है वो भी करना है, तो उद्वलन का मीन्स मतलब यहाँ पर ये है कि उथल पुथल जो होती है, मानसिक उथल पुथल। खेल प्रश्नोत्तरी, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा खेल प्रश्नोत्तरी। क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी
व्यक्तित्व में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 23, मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, आपको इनकी विधियों का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 25, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, शास्त्रीय अनुबंधन के समस्त सिद्धांत बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, गहने के पदानुक्रम की विभिन्न सोपानों को बताइए। सो फ्रेंड्स, यह हो गए हमारे 27 लघु उत्तरीय प्रश्न। आप इनको पढ़िएगा और जिसका आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो बना करके दूँ, और आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को मेरे लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई कमेंट आप करना चाहें, कमेंट करके आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। आगे भी आपको अभी बहुत से क्वेश्चंस पेपर जो हैं सभी सेमेस्टर के, यानी सभी सेमेस्टर मींस फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के भी पेपर होने वाले हैं, उनके वीडियोस मैं बना करके क्वेश्चन पेपर्स पे डालूंगी। और सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जो फाइलें आपको बनानी होंगी उनसे रिलेटेड वीडियो भी मैं डालूंगी। क्वेश्चंस को करने का जो प्रोसेस मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, आप रखिएगा, अपनी लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, स्पीड को बढ़ा लीजिए। और शॉर्ट क्वेश्चन डेढ़ पेज से दो पेज, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको चार पेज, बहुत ज़्यादा पाँच पेज, इससे ऊपर नहीं जाना है। डेढ़ पेज और चार पेज के बीच में अगर आप रहेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और आपको किसी भी कंडीशन में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे और फर्स्ट पेपर का जो मैंने वीडियो डाला है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।